हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हो, देन हाय, आई एम इंद्राणी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बायोटिक बायो पपाया स्क्रब रिव्यू, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ये है बायोटिक ब्रांड की बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। टैनिंग की प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस करना पड़ता है। अगर आपके फेस पे टैनिंग की प्रॉब्लम है, देन ये वाली प्रोडक्ट को आप जरूर एक बार ही यूज करके देखिए, आपको जरूर हेल्पफुल होगा। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं इसे खुद यूज करती हूँ, तभी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी अबाउट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे मेंशन है यह है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो सभी इसे यूज कर सकते हैं। एंड इसमें है पपाया का गुडनेस, तो पपाया टैन रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्किन का ग्लोइंग भी करता है। चलिए अब इसकी पैकेजिंग की तरफ चलते हैं। इसका आउटर पैकेजिंग ऐसा एक बॉक्स पैकेजिंग में आ रहा है एंड इसके ऊपर ही सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है। अगर आप नहीं जानते हो तो बायोटिक एक 100% आयुर्वेदिक ब्रांड है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर पैराबेन का यूज़ नहीं किया जाता है एंड इसमें कोई भी एडेड कलर भी नहीं है। सो आप टेंशन फ्री होकर बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हो। और गाइस, अभी आप इसकी इनर पैकेजिंग देख सकते हो जो कि एक टॉप कंटेनर में आ रहा है। बहुत ही स्टडी पैकेजिंग है, ऊपर से ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसे लेकर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। चलिए अभी इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था तो मुझे कुछ ऑफर्स मिल गए थे। इसकी जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है 199 रुपीज एंड यहाँ पे आपको 75 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। सो हाँ, परचेस करने से पहले ज़रूर ऑनलाइन पे चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पर बायोटिक के प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा ऑफर्स चलता है। मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके इसे परचेस कर सकते हो। सो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक कर लेते हैं। पैकेजिंग के ऊपर अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन किया गया है। ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है तो इसमें आपको कोई भी पैराबेन या फिर प्रिजर्वेटिव्स दिखने को नहीं मिलेगा। जो मेन की इंग्रेडिएंट इसमें है वो है पपाया फ्रूट पल्प एंड सीड्स पेस्ट एंड केला फ्रूट पल्प। उसके साथ ही खजूर फ्रूट, नीम बार्क और कई चीज़ें इसमें यूज़ किया गया है जो आपकी स्किन को नरिश करने में और टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब इसके टेक्सचर एंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो, भीतर में आपको अलग से एक लिड मिल रहा है जो प्रोडक्ट में हाइजीन मेंटेन रखता है एंड ऊपर से स्क्रबर को लिड से सेपरेट रखता है। तो इस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा पैकेजिंग मिल रहा है। कलर आप देख सकते हो स्क्रबर की बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी एडेड कलर या फिर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए स्किन केयर के लिए। आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो देख के परचेस कीजिए कि वो 100% आयुर्वेदिक है या नहीं। एंड बायोटिक इस मामले में बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो बहुत ही माइल्ड और रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। ये आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं क्रिएट करता है। बहुत ही अच्छा एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। टेक्सचर अभी आप देख सकते हो, मैं हैंड के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। ये स्क्रबर बिल्कुल पैक जैसा है। फेस पैक अप्लाई करने पे आपको जैसा बिल्कुल फीलिंग्स आती है, ये बिल्कुल सेम ही है। और गाइस, इसे यूज़ करने के लिए पहले आप नॉर्मल वाटर से आपके फेस को क्लीन कर लीजिए, फिर इसे अप्लाई कीजिए। जेंटली मसाज करके इसे स्क्रबिंग कीजिए। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप करिए। एंड इसमें जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, ये सभी है पपाया सीड क्रश। इससे ही आपकी स्किन के ऊपर धीरे धीरे स्क्रबिंग होगा एंड ये सभी आपकी टैन रिमूव करने में हेल्प करता है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करके बिल्कुल भी स्क्रब मत कीजिए, इससे आपकी स्किन हर्ट हो सकती है। और सच्ची में एक दिन में ही आपकी टैन रिमूव नहीं होगी, तो इसे आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 times इन अ वीक, तभी आपकी टैन धीरे धीरे रिमूव होगा। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो आपको फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ करना पड़ेगा। गाइस, आप देख सकते हो ये बिल्कुल फेस पैक की तरह कॉन्सिस्टेंसी है और बहुत ही जेंटल है स्किन के ऊपर। बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर है इसकी, जैसे कि आप देख ही सकते हो, एंड फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है। इसे अच्छी तरीके से आप स्क्रब कर लीजिए आपकी स्किन के ऊपर और फिर नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कॉटन राउंड से मेरी हैंड को क्लीन कर रही हूँ, पर आप जब भी स्क्रबिंग करो आप नॉर्मल वाटर से ही आपकी फेस को क्लीन कर लीजिए, यही बेस्ट रहता है।
सो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी फेस पैक की तरह है तो क्लीन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप इसे जेंटली वॉश कीजिए आपकी फेस के ऊपर से। सो या गाइस, रिजल्ट आपकी आंखों के बिल्कुल सामने ही है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है। बहुत ही बेनिफिशियल एक स्क्रबर है, टैन रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। आपकी स्किन के ऊपर जितने भी टैन है, इसे यूज करने पे आपके धीरे धीरे सभी टैनिंग रिमूव हो जाएंगे। दोनों हाथों में आप डिफरेंस करके देख ही सकते हो, ये स्किन के ऊपर से टैन को रिमूव करता है एंड आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है, क्योंकि इसमें पपाया का गुडनेस है। पपाया स्किन केयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये आपकी स्किन के ऊपर कोई भी अगर पिगमेंटेशन हो या फिर डार्क स्पॉट हो, उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आप रॉ पपाया भी हनी के साथ मिक्स करके आपके फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना, उससे भी बहुत ही बेनिफिट होता है आपकी स्किन के ऊपर। पपाया में बहुत सारे विटामिन्स होता है और न्यूट्रिशन होता है, जो आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग करने में हेल्प करता है और स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन, टैन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड आपको एक क्लियर स्किन प्रोवाइड करता है। सो पपाया की बहुत सारी गुडनेस है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये वाली स्क्रब को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन की टैन की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करेगी। मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करी हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन मेक श्योर एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।